हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है विंटर स्किन केयर। विंटर्स में आपको अपनी स्किन की कैसे देखभाल करनी है, क्या क्या आपको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं प्लम का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे वाला फेस वॉश है। आपके पास जो भी फेस वॉश हो आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप सेम वही यूज़ करें। ये स्किन केयर है, आपके पास अच्छे वाले होने चाहिए। तो आपको फेस वॉश जो करना है पूरा एक मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करके अच्छे से मसाज करनी है और ज़्यादा रगड़ा नहीं मारना। हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे फेस को मसाज कर लेनी है। पूरे एक मिनट आपको फेस वॉश करने के बाद इसको अच्छे से मुंह धो लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का। इस वाले स्क्रब का रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और स्क्रब भी आपको 2 से 3 मिनट ही अपने फेस पे करना है। हल्के हल्के हाथों से आपको इसको मसाज कर लेनी है अपने पूरे फेस पे। हल्का हल्का आप बीच में थोड़ा सा, अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ऐसे आप मसाज कीजिए। और उसके बाद साथ ही पानी के साथ आप मुंह धो लेना। स्क्रब के बाद बारी आती है मास्क की। यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग मास्क यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे वाला मास्क है, काफ़ी टाइम से मैं इस मास्क को यूज़ कर रही हूँ। मास्क को आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना अच्छे से और 10 से 15 मिनट इसको आपने अपने फेस पे ही लगा के रखना है। 15 मिनट के बाद आपको इसको पानी, सिंपल पानी के साथ आपने मुंह धो लेना है। यहाँ पे मैं जो जब तक मास्क मेरा ड्राई होता है मैं लक्ष्मी को थोड़ी देर खिला लेती हूँ। देखिए, काफ़ी टाइम से लक्ष्मी मेरी वीडियोस में नहीं आ रही थी, बस एक ही वीडियो में मैंने इसको जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसी वीडियो में थी। तो मैंने सोचा चलो आज आपको लक्ष्मी के भी दर्शन करा दिए जाए। और यहाँ पे मेरा मास्क जो था वो ड्राई हो चुका था तो मैंने अपना मुंह धो लिया है सिंपल पानी के साथ। और मास्क के बाद हमें यूज़ करना है, यहाँ पे मैं लिप्स के जो गुड वाइब्स का लिप्स स्क्रब है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, वो भी आप चेकआउट कर लेना। ये वाला स्क्रब बहुत अच्छा है, तो अगर आपके लिप्स पे ब्लैकनेस है वो उसको रिमूव कर देता है। आप इसको वीक में 1 से 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, डेली आपने इसको यूज़ नहीं करना है। और हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करना है, 2 से 3 मिनट ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर गाइस ज़रूर यूज़ किया करो, आफ्टर फेस वॉश टोनर मस्ट है, ज़रूर यूज़ किया करो। इससे क्या होता है आपकी स्किन जो होती है वो लंबे टाइम तक हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस रहता है, तो अच्छे से पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है टोनर। तो ज़रूर यूज़ किया करो टोनर को, कोई भी ब्रांड का टोनर आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप गुड वाइब्स का ही लो। और यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का सिरम यूज़ कर रही हूँ, अंडर आई सिरम। ये वाला सिरम बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे आईज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी अंडर आईज, बस हल्का हल्का सा मुझे लगा कि मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने
पहले ही इसको यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि मुझे आगे जाकर कोई और ज़्यादा डार्क सर्कल ना हो जाए। इसे भी आपको अपने आईज़ के नीचे 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करना है और ये वाला सिरम आपको डेली यूज़ करना है। डेली आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर अप्लाई करना है, टोनर अप्लाई करने के बाद आपने सिरम यूज़ करना है। अगर आप रोज़ ही भी सिरम यूज़ करते हो तो वो भी आप डेली अप्लाई कर सकते हो डे एंड नाइट में। दिन में 2 बार आपको ज़रूर यूज़ करना है सिरम, उसके बाद आपको जो भी मेकअप वगैरह लगाना चाहते हो लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। देखिए ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। ये वाली क्रीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी भी आपने 2 से 3 मिनट अपने पूरे फेस के अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है। रगड़ आपने किसी भी चीज़ का नहीं मारना, ऐसा नहीं है कि हाथ पे लगा के क्रीम और बस लग गई, ऐसा कुछ नहीं करना। हल्के हल्के हाथों से कीजिए, जो आपकी स्किन है वो बहुत ही नाजुक होती है तो आपको उसकी केयर बहुत ही अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और बस ये हो गया मेरा स्किन केयर। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पे मैं अब लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, बायोटिक की लिप बाम है, बहुत ही अच्छी वाली लिप बाम है। अगर जब आप इस लिप बाम को लगाते हो तो हल्का सा कलर आपके लिप्स पे आ जाता है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का नेचुरल सा कलर ये हमारे लिप्स पे देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने लिप बाम यूज़ कर लिए, उसके बाद बारी आती है हमारी हैंड्स की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने हाथों पे बॉडी लोशन अप्लाई कर रही हूँ। ये भी गुड वाइब्स का ही है, बहुत अच्छा बॉडी लोशन है। हाथों के भी पे जरूर अप्लाई किया करो क्योंकि हम सारा दिन काम करते रहते हैं तो सोते टाइम जरूर बॉडी लोशन लगाया करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।